सांसदी जाने का मिलेगा राहुल गांधी को फायदा। 2024 में मोदी बनाम राहुल होगा मुकाबला। क्या बीजेपी के लिए है खतरे की घंटी। राहुल गांधी को न्यायालय ने दोषी पाया, 2 साल की सजा मिली। कुछ ही घंटों में संसद की मेंबरशिप रद्द कर दी गई, बंगला भी छीन लिया गया। जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में नहीं थी, अचानक बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी मीडिया के लाइमलाइट में आ गए, लोगों की सहानुभूति मिलने लगी। आम आदमी भी कहने लगा, संसद में आधे से ज्यादा गलत लोग ही बैठे हैं, जिन पर दुष्कर्म, हत्या, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। फिर राहुल गांधी पर ही कार्रवाई क्यों? क्या लोगों की बढ़ रही सहानुभूति बीजेपी के लिए खतरा है? क्या बीजेपी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? क्या राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा, मां सोनिया की राह पर चल पड़े हैं? इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खेल रहे सहानुभूति का कार्ड। सोमवार को राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी 3 मुख्यमंत्री के साथ सूरत पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, उनके हाथ में प्लेकार्ड भी था जिस पर लिखा था लोकतंत्र बचाओ। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, हर तरफ चर्चा हुई। क्या सिर्फ राहुल गांधी ही दोषी हैं? सिर्फ एक राजनीतिक बयान के लिए क्या मेंबरशिप जाना सही है? ऐसे तो पूरा सदन ही खाली हो जाएगा, जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं। पीएम मोदी पर तानाशाही के आरोप लगने लगे, लोगों की उभरती हुई सहानुभूति से कहीं न कहीं बीजेपी भी डर गई। बीजेपी ने कहा, अपील के नाम पर तमाशा कर रहे राहुल। वहीं बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर हमला करना जारी रखा। सुबह 3 मुख्यमंत्रियों और प्रियंका गांधी के साथ सूरत जाने पर संबित पात्रा ने कहा था, राहुल गांधी अपील करने नहीं तमाशा करने जा रहे हैं। अब इसी तर्ज पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा, जब आपका ट्रायल चला तब आपने क्यों नहीं किया? आप अब डराने के लिए नाटक कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। कोर्ट जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप यह ड्रामा कर रहे हैं, तो आप कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है, कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकता। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस राहुल गांधी का परिवार है और वो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम कोर्ट के निर्णय पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार अडानी के मामले में जीपीसी का गठन नहीं चाहती, सदन न चलने देने की योजना वह पहले से ही करके आते हैं। गुजरात में यह हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, राहुल गांधी हमारे नेता हैं और अपने नेता के साथ खड़े होने के लिए वो जा रहे हैं। कांग्रेस के पास वकीलों की फौज, ऊपरी कोर्ट क्यों नहीं गए? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी की समस्या ये है कि उन्हें वोट नहीं मिलते, वे जहां जाते हैं वहां हार जाते हैं, झूठ बोलना उनकी फितरत है, वो हमेशा विदेश में भारत का अपमान करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस के पास तो वकीलों की फौज है, वह कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को सहानुभूति का हो चुका है फायदा। साल 1977 में इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मामला कोर्ट में पहुंचा तो इंदिरा गांधी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। 2006 में सोनिया गांधी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसी थी, जिसके बाद उन्होंने मैसेज दिया कि वो भी जेल जाने से नहीं डरती। दोनों को राजनीतिक तौर पर इसका फायदा हुआ था, राहुल गांधी भी उसी राह पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को इसका फायदा होता है या नुकसान।